एक्टिंग बहुत अच्छी ली है, पिक्चर के लोकेल्स बहुत अच्छे हैं, 3 घंटे 10 मिनट आपको पता नहीं चलते, लाइफ स्टोरी बताना अपनी रियलिटी में जब आप एग्जिस्ट कर रहे हो और हाई पी पे हो बहुत अच्छी चीज़ है। सुशांत सिंह ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, मतलब एक्चुअली मैं रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि वो है या महेंद्र सिंह धोनी है, दोनों बहुत बढ़िया थे। ओवरऑल स्टारकास्ट बहुत अच्छी थी, आई थिंक स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, बहुत ही निट मूवी है और मस्ट वॉच है, मस्ट वॉच। थैंक यू सुशांत सिंह का, वेरी गुड एक्टिंग, बहुत अच्छा काम किया उसने। स्टोरी महेंद्र सिंह धोनी के लाइफ के ऊपर है तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कितना रियल लगा आपको सुशांत सिंह? आई थिंक 90% उन्होंने धोनी की एक्टिंग किया है, ऑलमोस्ट धोनी लग रहे थे। कितनी बार देखना चाहेंगे? 3 से 4 बार और देखना चाहेंगे। 5 बजे कितने स्टार्ट होंगे? जो उसकी जो अपना जो उसकी लव लाइफ थी उसके बारे में नहीं पता था, जो प्रियंका ने रोल निभाया ना उसके बारे में, तो वो जान के अच्छा लगा, उनकी एक्टिंग भी अच्छी थी। कितने स्टार्स दोगे आप? आई थिंक 4 स्टार देंगे। हाँ प्लीज लिसन ऑसम सुशांत सिंह राव ऑसम एंड धोनी इज आउटस्टैंडिंग एंड जो मूवी था बेस्ट था, 3 घंटा वेस्ट नहीं किया एंड पैसा वसूल मूवी। या मैं वंस मोर और देखूंगा एंड 4 स्टार। बेस्ट सुशांत सिंह, लाइक हीरो ऑफ हीरोज। यस यस लाइक डायरेक्टेड गुड, डायरेक्शन गुड था, अच्छा था, VFX एडिटिंग बहुत अच्छा था। ओके, आपको क्या अच्छा लगा सुशांत सिंह के लाइफ के बारे में? ऐसा क्या था जो आप महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ के बारे में क्या था जो आपको पता नहीं था और उनके जरिए पता चला? लाइक द जर्नी वाज एब्सोल्युटली गुड उसका। व्हाट स्टार It was nice, actually quite nice. Yeah, it was very nice. परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मतलब जैसे दिया कैसे धोनी का था वैसे डायरेक्शन वेरी नाइस। म्यूजिक भी काफ़ी हद तक ठीक थी बट द मूवी वॉज सो मच ठीक, तो इट वॉज ऑसम। था थोड़ा था जब गर्लफ्रेंड थी उनकी। फिल्म बहुत अच्छी थी, मैं भी रांची से हूँ अभी, अब मुंबई में रहता हूँ, पर बहुत अच्छी सुशांत सिंह राजपूत की बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत ही ज़बरदस्त, और फिल्म में बहुत ज़्यादा उनका रियल कैरेक्टर रहा है, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा बनावटी है, कोई फेक नहीं है, बहुत अच्छा है, उनकी रियल स्टोरी पर ही बनी है। या देर वॉज अ इमोशन बिकॉज देर वॉज अ प्लेस एंड हिट अ कार, इट वॉज वेरी रियलिस्टिक, इट वॉज लाइक अभी ये कैसे अचानक से आके टूट गया। स्ट्रगल के बारे में पता चला, जो पहले वो फुटबॉल खेलते थे, उनके बाद उनको ऐसा मौका मिला कि उनको कीपिंग करने का एक चांस मिला, तो ये बहुत ही वहाँ से उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद वो पहले टिकट कलेक्टर भी थे वहाँ पे, उन्होंने दिखाया ऐसा कि वो नहीं करना चाहते हैं, फिर बाद में उनका वहाँ से लाइफ चेंज होता है, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे। सुशांत सिंह ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया? सुपर, उनके एक्टिंग में इमोशन बहुत ज़्यादा थे, इमोशन को स्टार देंगे 5 में से? मैं दूंगा 4। ओके थैंक यू, थैंक यू सर। हाउ यू लाइक द फिल्म सर? लेट हिम जाने दो। हाउ इज द मूवी? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे सुशांत सिंह के परफॉर्मेंस के बारे में? सुशांत सिंह ने कितना इंसाफ किया महेंद्र सिंह धोनी के किरदार के साथ? बहुत बढ़िया किया मुझे लगता है। क्या खास लगा आपको फिल्म के बारे में? मुझे लगता है कि खास ये है कि पता चलता है कि धोनी का बैकग्राउंड कैसा था, फैमिली लाइफ कैसी थी, और उसको हिंदी सिनेमा में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है जो बहुत इंटरटेनिंग भी है। सुशांत की एक्टिंग कैसी लगी? बहुत बढ़िया। डायरेक्शन ऐसा क्या था जो MS के बारे में आपको पता नहीं था फिल्म के माध्यम से पता चला? मुझे कुछ भी पता नहीं था क्योंकि मैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन आपने कितना एंजॉय किया फिल्म को सर? फिल्म बहुत इमोशनल लेवल पर बहुत वर्क करती है, तो वो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात है। ओके, 5 में से कितने स्टार देना चाहिए? 4।
सर फिल्म तो बहुत अच्छी थी सर, फिल्म डायरेक्शन और कास्टिंग सर सबसे अच्छी बात, अगर फिल्म की है तो कास्टिंग, सुशांत सिंह राजपूत सर और कोई एक्टर ये काम नहीं कर पाता था सर, खांस तो करते ही रहते लेकिन जो सुशांत ने करके दिखाया सर वो और कोई नहीं कर सकता था। ओके, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, ऐसा क्या खास था जो बहुत अलग लगा? सर जैसे हम देखते हैं धोनी को बेस्ट फिनिशर बोलते आ रहे हैं सर, आज उसकी स्टार्टिंग पॉइंट देख लिया, फिनिशर तो वो है ही लेकिन उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था स्टार्टर भी बहुत अच्छे है सर, वो आज वो हम लगने देख लिया सर उनके। ओके, कितने स्टार देना चाहेंगे सर? स्टार्स सर बाकी फिल्मों को दीजिए, इनको स्टार्स नहीं, इनको मून्स प्लैनेट सब कुछ दे दो सर, ऐसा मूवी बनाया उन्होंने सर। इमोशनल दिशा पटनी का जो सीन था कि वो मर जाती है सर, वो सीन सबसे टफ था हमारे लिए, मतलब पूरा थिएटर भी साइलेंट था, हम भी साइलेंट थे सर, सब भूल गए थे, फोन वोन सब साइड में रख दिया था, वो पॉइंट था सर सबसे टर्निंग पॉइंट हमारे लिए था। 5 में से कितने स्टार देना चाहिए? 5 में से सर फुल स्टार्स देना चाहेंगे सर इस मूवी को, सर धोनी के फैन है सर, धोनीज़म फॉरएवर सर, उसके लिए 5 स्टार्स। थैंक यू। वाज गुड, 3 स्टार देना चाहूँगा फिल्म को, फिल्म लेंदी भी बहुत थी और कई जगह बोर भी हो रहे थे हम फिल्म में आफ्टर इंटरवल, इंटरवल तक इट वॉज सुपर और इंटरवल के बाद हम बोर होने लगे थे और मज़ा आया फिल्म देख के। सुशांत सिंह ने अच्छा किरदार को निभाया धोनी सिंह के और दोनों हीरोइंस अच्छी थी, अनटोल्ड स्टोरी है तो ऑडियंस विल इन्जॉय, कि एक ट्रुथ स्टोरी है तो महेंद्र सिंह धोनी की हमारे इंडियन कैप्टन की, तो लोग पसंद करेंगे स्टोरी को। क्या ऐसा था एमएस के बारे में जो आपको पता नहीं था फिल्म के माध्यम से? फिल्म की लव स्टोरीज, मतलब महेंद्र सिंह धोनी की लव स्टोरीज के बारे में पता नहीं था, जो पता लगा और क्या नाम है गांगुली को जब निकाला गया तो धोनी के दिमाग में क्या था, हमें लगा, हमें भी यही लगा कि हाँ धोनी ने यार अब कैप्टन बन गया है तो धोनी निकाल देगा गांगुली को, गांगुली ही लेके आया था धोनी को और बाद में धोनी ने ही उसको निकाल दिया, बट धोनी ने अपनी टीम के बारे में सोचा, धोनी ने कहा था कि हाँ मैं कैप्टन हूँ टीम के लिए सोचूंगा, अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो आप मुझे कैप्टनसी से निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा उनका एक विजन था, थाट था, जो डिसीजन लिया उन्होंने, इट वॉज गुड। कितने स्टार देना चाहिए? एम एस धोनी तो सबका प्यार है, लाइक हु डजंट लव एम एस धोनी, बट सुशांत सिंह राजपूत जिनको नहीं अच्छा लगता था अब तक, अभी वो भी उनसे उससे भी ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, हम तो पहले से ही करते हैं, बहुत अच्छा एक्टर था, डायरेक्टिंग कास्ट और सब कुछ परफेक्ट हुआ था। When his first love dies, that was probably the most emotional part in the movie. Yeah. Okay, Sushant's performance ke bare mein kya kehna chahiye? Fantabulous. How much stars you give? I'll give more than 5 stars. Thank you. मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वर्ड बोल ही रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी फिल्म है। फिल्म अच्छी इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि धोनी सर के बारे में इतना कुछ पता नहीं था फिल्म में। दूसरी बात, लास्ट में सिलेक्शन होने के बाद जो कहानी में शो किया एक तरीके से, इतना बड़ा नाम कर गए, इनसे पहले भी लोग आ गए थे मगर कम टाइम में इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि, तो एक होप नहीं छोड़ना वो धोनी साहब ने दिखाया। और एक हमेशा क्या होता है, बायोग्राफी इंस्पिरेशन होती है, जैसे मिल्खा सिंह की भी कहानी आई थी, इनकी भी आई थी फिल्म में। ज़्यादा नीरज पांडे ने ज़्यादा ड्रामेटिकल नहीं भरा बट कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यू ज़रूर डाली है, वो ज़रूरी भी है क्योंकि हम एंटरटेनमेंट के लिए भी फिल्म देखने आते हैं। तो फिल्म की ये सबसे अच्छी खासियत है कि फिल्म का म्यूज़िक तो अच्छा है ही, जो सुशांत सिंह राजपूत ने प्रिडिक्ट किया है उनको, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। धोनी सर की बहुत अच्छी कहानी है जिसे बहुत अच्छी तरीके से शो किया गया और इसको देखने के बाद धोनी सर के लिए दिल से रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से 5 में से 4 स्टार मूवी को दूंगा और नीरज पांडे सर ने बहुत अच्छी तरीके से फिल्म को शो किया है, VFX का भी काम बहुत अच्छा है, लास्ट के सीन्स में लग ही नहीं रहा कि वो कि मतलब वो आर्टिफिशियल है, उसमें सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा जोड़ा गया है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि वो जो रियल मैच था वर्ल्ड कप का वो ही है। और बहुत इस फिल्म से काफ़ी कुछ सीखने को मिली, उनके नेचर से भी सीखने को मिला, जैसे वो बहुत ही सहज बुद्धि वाले हैं, हर सिचुएशन में सहज रहते हैं और डिसीज़न लेते हैं, उनकी ज़िंदगी में हादसे होने के बावजूद भी वो नहीं रुके, उन्होंने नेशनल ड्यूटी समझ के इसको काम किया, तो काबिले तारीफ़ है। और इस फिल्म को एक बार और मैं अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी फिल्म आई है, काफ़ी टाइम बाद बहुत कम पिक्चर्स होती है जो हम लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखना चाहेंगे। और अनुपम खेर साहब का बहुत अच्छा काम है, लास्ट में उन्होंने जो फादर का कैरेक्टर किया है उसमें उन्होंने रोला ही दिया जिस तरीके से उन्होंने एक्ट किया है, तो हैट्स ऑफ टू अनुपम खेर।